नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी सिमिलर एग्जाम्पल एज द प्रीवियस वन, बस यहाँ पे फर्क ये है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक वायर से जोड़ दिया. अगेन वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन सी दैट 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि इनके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है. सिमिलरली 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर हम चाहें तो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और फिर उससे बैटरी से निकलने वाला चार्ज निकाल दें, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें एंड फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. लेकिन हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे. व्हाट विल डू इज विल राइट डाउन पोटेंशियल्स. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल 60, तो इसका भी 60, इसका भी 60. अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं मालूम, लड़ से इसका एक्स, तो इसका भी एक्स, और क्योंकि एक वायर है यहां पे भी पोटेंशियल एक्स होगा और यहां पे भी पोटेंशियल एक्स होगा. नाउ पोटेंशियल लिखने के बाद इट बिकम्स ऑब्वियस दैट 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60x है, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 60x है, एंड देयरफॉर दोनों के बीच में क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सिमिलरली 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x है और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के भी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x है, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. तो हैविंग रिटन द पोटेंशियल द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम. और इस केस में ये चार प्लेट 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम होंगी. इन चारों प्लेट के ऊपर नेट चार्ज वी कैन से टू बी इक्वल टू जीरो इन दिस केस. तो फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज आएगा will be x minus 60 potential difference into इसकी capacitance. Second plate पे जो charge आएगा will be x minus 0 into इसकी capacitance. Third plate पे जो charge आएगा will be x minus 60 into इसकी capacitance. और fourth plate पे जो charge आएगा will be x minus 0 इनटू इसकी कैपेसिटेंस. और इन सारे चार्जेस का सम वी नो विल बी इक्वल टू जीरो. एक इक्वेशन है, एक अननोन है, सॉल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. अब अगर हमें चार्ज निकालना है तो 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज होगा, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज होगा, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज होगा इस प्लेट पर, और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के इस प्लेट पर this much charge will be there.